दरबार शरीफ से जनाब लंगर पाक रहे हजरत इमाम हुसैन आप दे हक में पाक दा और ऐ ने जनाब कोडी शाहरी। वाह जी वाह, आफ जी ऐ दे देख अपनी। खराबो खस्ता खारम शफात या रसूल अल्लाह, हक निभाना मेरे हुसैन का है, हर जमाना मेरे हुसैन का है, शहादत हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सबदा तनवीर अमीन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज 10 मुहर्रम है और आज के हवाले से जो भी रूटीन होगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। बच्चे कुरान हानी भी कर रहे हैं और हज़रत इमाम हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह आपका हतम पाक भी है, तो वो भी मनाजर जो भी होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर होंगे। अभी मेरे साथ जनाब मौजूद हैं क़िबला कारी साहब, अभी कुछ सामान लेने जा रहे हैं हम लोग और वापस आते हैं, तो फिर आपसे जो जो भी मनाजर होंगे वो शेयर करते हैं। अभी मैं और कारी साहब मौजूद हैं दाली बांट में गोश्त लेने के लिए, यहाँ पर आज जनाब हजूर मौजूद ने साढ़े नाल दो, इन्होंने दो चाहिए आ गोश्त देने ने हूँ सट्टन देगा एक दुकान अपनी पसंद है जनाब गोश्त मंगाया ने सीने का। अभी जनाब को थोड़ा सा ना आपको दिखाते हैं कब्रिस्तान के मनाजर। हमारे लोग बहुत ही मोहब्बत से 10 मुहर्रम को आते हैं अपने बड़ों की, अपने जिनके वालदैन फोत हो चुके हैं, ये जिनकी बहन भाई फोत हो चुके हैं उनकी कब्रों पर मिट्टी डालते हैं नई और फूल डालते हैं, उनकी फातिहा खानी करते हैं और फिर साथ न्याज भी ले आते हैं। और हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो न्याज है वो भी बांटते हैं, हर बंदा लेके आता है। तो थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, आज माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत साफ व्यू आ रहा है, ये आप देख सकते हैं आज माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा जो है ये आगे दरख्त आ गए हैं। तो ये देखा काफ़ी लोगों ने माशाल्लाह अच्छी तरीके से सफाई की है, उधर जो दूसरा हिस्सा है उधर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो इधर ये आप देख सकते हैं ये लोग ही लोग हैं सारे। अभी अभी जनाब आपको राजा अरशद साहब के पास लिए चलते हैं, उन्होंने कोई गल उन्होंने को सुनने हाँ वह तुडे को तेरे को साना के गल अल मरूफ कोडी शाह साहब, कोडी शाह साहब से आपकी मुलाकात करवाते हैं। जनाब जहीर बाओ बावेर ने लगे कल तुहाडे सामने रिक्वेस्ट की थी, आप तशरीफ लाए ने दरबार शरीफ से जनाब लंगर पाक रहे हजरत इमाम हुसैन आप दे हक में पाक दा और ए ने जनाब कोडी शाहरी। कोडी शाह जी क्या हाल है, तुसी ठोडी शाह दे निक्के भरा ते नहीं होया? एक कोडी शाह ते ठोडी शाह लफ्ज़ रलदे मिलदे ने। हाँ जनाब वेखा जे सबदादा साहब खुद उत्ते बह के लंगर पकवा रहे ने जनाब। आप जनाब कल तुम्हें पता है लड़ाई हुई है, पट्टियां छट्टियां लगी ने वेख्या जे जी आइए हथा के खून भी लगे हैं है। अपने कारी साहब ने जनाब जिन्होंने इन्ना कुटिया ने अस्पताल दाखिल करवाया ने, बुढ़े देने पे तम ही नहीं जनाब काम पे खिलाता जनाब अस्पताल छुट्टी लभी ने आए ने रहन बड़े बीमार लिये आप हजूर उधर लगे ने जनाब बंदा है कोडी शाहरी ने बैठे
ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਦੇਗ ਪਕਾ ਕੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੂ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਆਹ ਜੀ ਇਹ ਦੇਗ ਆਪਣੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਖਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين। ਜਨਾਬ ਮਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੇ ਸਦਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਨਵੀਂ ਬਣਾਈ ਜੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਫੋਟੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਖ ਕੇ, ਜਨਾਬ ਸਦਰ ਲੰਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ। ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹਾਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈ ਬਾਬੇ ਸ਼ਹਾਰੀ ਨੇ ਚਾਵਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖਾਏ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਜਨਾਬ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਲੰਗਰ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਹਮਾਰੇ ਜੋ ਲੋਕ ਹੈ ਵੋ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਸੇ ਹਜ਼ਰਤ ਇਮਾਮ ਹੁਸੈਨ ਰਹਿਮਤੁਲਲਾਹ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਉਨਕਾ ਖਤਮੇ ਪਾਕ ਕਰਵਾਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਯਾਦ ਮੇਂ ਕੁਰਾਨ ਖਾਨੀ ਕਰਤੇ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਤੇ ਹੈ। ਤੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਵਲਾਗ ਆਪ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ। ਦਰਬਾਰੇ ਲਈ ਛੋਟੀ ਸੀ ਪਰ ਵੀ ਹਮਨੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਨਕੀ ਜਨਾਬ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਕੀਆ ਥਾ। ਤੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸੇ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਆ ਹਮਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੋ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਮੇਂ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਏ, ਔਰ ਆਪਕੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਯੇ ਵਲਾਗ ਆਪਕੋ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਗਾ। ਤੋ ਇਸੀ ਵਲਾਗ ਕੇ ਸਾਥ ਆਪਕੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਤੇ ਹੈਂ, ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਰਾਨ ਹਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਨਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਂ। ਵਸਲਾਮ।